कुमार मिश्रा आप सबके बीच इतिहास विषय के साथ उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सबके बीच बीए प्रथम वर्ष मध्यकालीन इतिहास जिसका जो चैप्टर है तुगलक वंश के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है आज का मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका कार्यकाल 1325 ईस्वी से लेकर के 1351 तक का कार्यकाल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक चैप्टर को पढ़ने से हमें किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, आइए हम सभी उस पर चर्चा करें। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम सभी आज अध्ययन करेंगे, तो आइए हम सभी चर्चा करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, उसके विस्तार को बढ़ाने के लिए किन किन क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किया, इसके बारे में हम सभी आज अध्ययन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक गाजी मलिक, यहां ध्यान देने की जरूरत है, गाजी मलिक अथवा सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का ज्येष्ठ पुत्र था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एमबीटी के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, एमबीटी के नाम से जानते हैं, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा पुत्र था, उसका मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का प्रारंभिक नाम फखरुद्दीन मोहम्मद जूना खां था। क्या नाम था, फखरुद्दीन मोहम्मद जूना खां, इतिहास में इसे जूना खां के नाम से भी जाना जाता है। उसका पिता गाजी मलिक, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक का पिता सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी वंश में एक सीमांत क्षेत्रों में अपने सीमा को एक नया रूप और नया आयाम दे रहा था। ऐसे में खिलजी शासकों के अधीन सीमांत क्षेत्रों का शासक भी था। इसके साथ साथ खिलजी वंश में लगातार मंगोल आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे थे। इन आक्रमण से गयासुद्दीन तुगलक ने सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत की रक्षा की थी और इसके साथ साथ अपने नाम में और प्रसिद्धि और नए नए पद को प्राप्त करता गया। इसके साथ ही साथ सीमांत शासक का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते जूना खां की शिक्षा दीक्षा बड़े अच्छे ढंग से हुई थी, लेकिन उसके साथ ही साथ उसका पालन पोषण एक सैनिक के भांति हुआ था। अतः अपनी युवावस्था में उसने अपनी प्रौढ़ विद्वता तथा सामरिक श्रेष्ठता का परिचय दिया। सामरिक का मतलब होता है युद्ध कला में प्रवीण, इन क्षेत्रों में उसने अपना परिचय दिया। अब है मोहम्मद बिन तुगलक का उत्कर्ष। जूना खां, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, प्रारंभ में अपने पिता का सहयोगी था। खुसरो खान जो था, यह इसमें थोड़ी सब चर्चा करें, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया भी है, खुसरो खान जो था वह खिलजी वंश के अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का प्रधानमंत्री था। कौन था, प्रधानमंत्री, यानी कि पीएम, प्रधानमंत्री था। और इसने ही खिलजी वंश के अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अपना काबिज हासिल कर लिया। इससे गद्दी छीन करके गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर अपना झंडा बुलंद किया था। तो वही खुसरो खां, तो खुसरो खां के शासन काल में वास्तविक राजनीतिक उत्कर्ष शुरू हुआ, किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। इसी समय घोड़े के अध्यक्ष के रूप में उसने अपना महत्वपूर्ण पद ग्रहण किया, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। जूना खां प्रारंभ से ही एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। जूना खां का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक,
बहुत पहले से ही उसकी नजर कहां गड़ी हुई थी, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर। ये देखिए कितना कितनी बड़ी विडंबना है कि जितने भी शासक हुए, जो भी सुल्तान हुए, जो भी अमीर वर्ग हुए या विरोधी सरदार हुए, सबकी निगाहें सिर्फ एक चीज पर, किस पर, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर। सब कोई अपने आप को सुल्तान बनने की चाहत रखता था, सबके अंदर एक महत्वाकांक्षी की भावना थी। उसमें भी मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी भी आंखें कहां गड़ी हुई थी, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर। वह इसके लिए प्रयत्नशील भी था। अपने संरक्षक सुल्तान खुसरो की अलोकप्रियता का लाभ उठाकर उसके विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा कर दिया। संभवतः गाजी मलिक ने जो कुछ भी किया, उसने अपने पुत्र जूना खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के परामर्श पर ही किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयत्नों से ही गाजी मलिक यानी कि सुल्तान गयासुद्दीन शासक बना। गयासुद्दीन तुगलक के सुल्तान बन जाने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के पद और प्रतिष्ठा में और वृद्धि होती चली गई। सुल्तान ने जूना खां को, जब वो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, बैठने के बाद अपने पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक को युवराज घोषित कर दिया तथा उसे उलुग खां की उपाधि दी। देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसको उलुग खां आपके परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ सकता है कि तुगलक वंश में उलुग खां की उपाधि से किसे भी घोषित किया गया, तो उलुग खां मोहम्मद बिन तुगलक को, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक को उलुग खां की उपाधि से विभूषित किया गया था। किसने उलुग खां की उपाधि दी थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के पिता गयासुद्दीन तुगलक ने। अपने पिता के शासनकाल में उसने वारंगल पर पहली बार आक्रमण किया, लेकिन यह उसका पहला आक्रमण था और इस आक्रमण में मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा। दूसरी बार आक्रमण करके उसने वारंगल को जीत लिया और उसके बाद सल्तनत का वारंगल का को अभिन्न अंग बना दिया। इस बात के यथेष्ट प्रमाण मिलते हैं कि जूना खान ने वारंगल के प्रथम अभियान के समय ही अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की योजना बनानी प्रारंभ कर दी, किंतु जैसे ही उसको इस योजना असफल होती दिखाई दी, उसने अपनी षड्यंत्र की योजना पर पर्दा डाल दिया और बड़ी चतुराई से वह उत्तरोत्तर आगे बढ़ता गया। लेकिन जल्दी ही धोखे से 1325 ईस्वी में प्रारंभ में ही उसने अपने पिता का वध करा दिया और वह दिल्ली की गद्दी को हस्तगत करने के लिए अधीर हो उठा और अधिक दिनों तक उसकी प्रतीक्षा न कर सका और अपने आप को दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान घोषित किया। मोहम्मद बिन तुगलक का राज्यारोहण। इस प्रकार अपने पिता की हत्या के पश्चात फरवरी या मार्च के आसपास 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के बादशाह के नाम से गद्दी पर आरूढ़ हुआ। उसने स्वयं और अपने साम्राज्य में 40 दिन तक सुल्तान की मृत्यु का शोक मनाया। ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, अपने ही पिता की हत्या करके और 40 दिन तक अपने पिता की मृत्यु का उसने शोक मनाया और शोक मनाने के साथ ही साथ 40 दिन तक वह तुगलकाबाद में ही रहा। और इतना ही नहीं, जब 40 दिन जब समय व्यतीत हो गया तो उसने बड़े ही ठाट बाट से उसने दिल्ली में प्रवेश किया और बलबन के लाल किले में स्थित सिंहासन पर जाकर के बैठा और इसके साथ साथ दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की प्रजा ने उसके स्वागत के लिए राजधानी को भली भांत सजाया गया। बताइए, अपने पिता की हत्या खुद करके 40 दिन का व्रत रखते और उसके बाद से उसके स्वागत समारोह में पूरे दिल्ली को भव्य दरबार की तरह से सजाया गया और इसके साथ साथ सुल्तान जब प्रसन्न होता है तो प्रसन्न होने के बाद से अपने उन मुक्त हाथों से, मतलब दोनों हाथों से, खुले हाथों से अमीर वर्ग, प्रजा वर्ग, तुर्क अमीरों को सोने चांदी हीरे जवाहरात उपहार के स्वरूप में प्रदान करता है। इस प्रकार
वह अपने पिता का एक प्रकार से हत्यारा भी कहा जा सकता है और उसके साथ साथ उसने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर एक अपना अमिट छाप भी स्थापित किया। आइए हम सभी चर्चा करते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक के पिता का क्या नाम था, तो गाजी मलिक जिसका पूरा नाम गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कब से कब तक था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 ईस्वी से लेकर के 1351 ईस्वी तक का कार्यकाल था। तीसरा प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का क्या नाम था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जूना खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपाधि से विभूषित किया गया था, किस उपाधि से, तो उलुग खान की उपाधि से, और किसने दिया था, उसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब बैठा, तो 1325 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। हम सभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।